रियासती वजीर बल्दी नजमुनस केतिया ने फेवर हॉस्पिटल के पास हुसैन सागर के सैलाब के पानी से नाले लबरेज होकर अवाम को नुकसान पहुंचने से रोकने के लिए नाले के अतराफ हिफाजती दीवार तामीर करने का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि वह गुज़िश्ता साल बारिश के दौरान अवाम को हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद नाले के पास हिफाजती दीवार तामीर करने का वादा कर चुके थे, जिसको पूरा करते हुए उस दीवार की तामीर के लिए संग बुनियाद रख चुके। स्ट्रेटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इस नाले की दीवार तामीर करने के लिए 684 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। केटिया ने कहा कि गुज़िश्ता साल बारिश से हुसैन सागर के सरप्लस नाला लबरेज हो गया, जिससे घरों में पानी दाखिल होने से आवाम कई मसाइल से दोचार हो गए। उन मसाइल का मुस्तकिल हल बरामद करने के लिए 12 किलोमीटर तक नाले के पास हिफाजती दीवार तामीर की जा रही। रियासती वजीर बल्दी नजमुनस ने कहा कि शहर में नालों की तरक्की के साथ उन्हें तौसी देने के इकदाम किए जा रहे। आइंदा जून तक इस हिफाजती दीवार की तामीरात मुकम्मल कर लेने के अहदेदारों को हिदायत दी। केडिया ने कहा कि इस दीवार की तामीर से नाले पर रहने वालों को कोई नुकसान नहीं होगा। नालों की तौसी में तआवुन करने की आवाम से अपील की। रियासती वजीर बल्दी नजमुनस ने कहा कि नालों की तरक्की और तौसी के लिए पहले मरहले में कामों की तकमील के लिए 858 करोड़ रुपए जारी किए गए। सिकंदराबाद जोन में 183 करोड़, कोकटपल्ली जोन में 112 करोड़ 80 लाख, एलबी नगर जोन में 113 करोड़ और 59 लाख, हैदराबाद जोन में 100 करोड़ 26 लाख, चार मीनार जोन में 85 करोड़ 61 लाख, श्रीलिंगमपल्ली जोन में 57 करोड़ 74 लाख, जुमला 633 करोड़ रुपए के मुसारिफ से जेएचएमसी में नालों की तौसी और तरक्की का मंसूबा तैयार किया गया। शहर के मुजाफात म्यूनसिपल्टीज मीरपेट म्यूनसिपल्टीज कॉरपोरेशन में 45.62 करोड़, बिडिंगपेट म्यूनसिपल्टी में 23 करोड़ 54 लाख, जलपल्ली में 24 करोड़ 85 लाख, पैदाम्बरपेट म्यूनसिपल्टी में 32 करोड़ 42 लाख, निजामपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 84 करोड़ 63 लाख को पहली म्यूनसिपल्टी में 13 करोड़ 86 लाख रुपयों के मुसारिफ से नालों को तरक्की देने का मंसूबा तैयार किया गया।